नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और अपनी सरकार के विकास संबंधी पहल का उल्लेख करेंगे। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद और विश्वास निर्माण की महत्ता दोहराई। तीन राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने पाला विधानसभा सीट जीती। असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम सूची से बाहर लोगों की अपील की सुनवाई के लिए 200 अतिरिक्त अपीलीय विदेशी ट्रिब्यूनल खोले जाने की अधिसूचना जारी की। और कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पारूपल्ली कश्यप और डेनमार्क के यनो यू यकेनसन का मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित करेंगे। अधिवेशन की कार्यवाही भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगी। प्रधानमंत्री के रात 8 बजे से 9 बजे के बीच सत्र को संबोधित करने की आशा है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में गरीबी हटाने, सुलभ स्वास्थ्य देखभाल तथा आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सरकार के प्रमुख उपायों की चर्चा कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद के अलावा वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने की एकजुट कार्रवाई का विशेष रूप से उल्लेख होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत विश्व स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और रैंकिंग में भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व ठोस और प्रभावी परिणामों के रूप में सामने आएगा। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले विदेश सचिव विजय गोखले ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में विकास और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न मुद्दों का उल्लेख करेंगे। Prime Minister is going to the UN General Assembly. प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्यों को लेकर पिछले 5 साल की ठोस उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। हम जलवायु परिवर्तन, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर हुई प्रगति को उजागर करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक जिम्मेदार सदस्य के नाते प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि हम विकास, सुरक्षा, शांति और अन्य देशों से अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं के बारे में क्या कर रहे हैं। और अब बात करते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे विशेष संवाददाता अतुल तिवारी से। अतुल, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री के आज के संबोधन से क्या अपेक्षाएं हैं? जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए विश्वव्यापी मुहिम चलाने, जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशों में सहयोग बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के विस्तार के जरिए समस्याओं का निवारण करने और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मानव कल्याण के संदेशों पर जोर दे सकते हैं। धन्यवाद अतुल। प्रधानमंत्री ने कल न्यूयॉर्क में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए कूटनीति, संवाद और विश्वास बहाली की भारत की प्राथमिकता दोहराई। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के संचालन पर विशेष रूप से बातचीत की। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ अगले वर्ष मनाने पर सहमति हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कल साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ भी बैठक की। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग संगठन ब्रिक्स ने हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि जल्द अपनाने पर जोर दिया है।
ब्रिक्स के विदेशी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की न्यूयॉर्क में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रूस ने की, जिसे 2020 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष चुना गया है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मजबूत दावेदारी की है। एक संयुक्त वक्तव्य में चारों देशों ने विस्तारित सुरक्षा परिषद में एक दूसरे की उम्मीदवारी को समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बेटा कहाँ चले? मैं चला पार्क। वहाँ होंगे कॉलोनी के सारे बच्चे, हम सब मिलकर चलाएंगे स्वच्छता का अभियान। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम 2 अक्टूबर से पहले लगभग 2 सप्ताह तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते हैं। इस बार यह 11 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान हम अपने अपने घरों से बाहर निकलकर श्रमदान के जरिए महात्मा गांधी को कार्यांजलि देंगे। पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। स्वच्छता का यह अभियान चलाना है और सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाना है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में एक एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित दंतेवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना हो रही है। 13वें चरण की मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार देवती कर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ओजस्वी मंडावी से 9,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 25 दौर की मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार युवराज सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज प्रजापति से 10,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा में बधारघाट विधानसभा सीट के उपचुनाव में 5वें चरण की मतगणना पूरी होने के बाद भाजपा उम्मीदवार वीवी मजुमदार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बुलती बिस्वास से 5,000 वोटों से आगे चल रहे थे। 6ठे और अंतिम चरण की मतगणना जारी है। इस विधानसभा के लिए उपचुनाव 23 सितंबर को कराया गया था। बधारघाट विधानसभा सीट दिलीप सरकार के निधन के बाद खाली हुई है। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 54 वर्ष बाद संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ से पाला विधानसभा सीट छीन ली है। एलडीएफ के मनीष सी कप्पन ने यूडीएफ के जो स्टॉम को 2,943 से अधिक मतों के अंतर से हराया। असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर लोगों की अपील की सुनवाई के लिए 200 अतिरिक्त अपीलें विदेशी ट्रिब्यूनल खोले जाने की अधिसूचना जारी की है। ये ट्रिब्यूनल राज्य के जिलों में खोले जाएंगे। राज्य में पहले से ही 100 विदेशी ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। 31 अगस्त को प्रकाशित सूची में 19,00,000 लोगों के नाम नहीं हैं। ये लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार नगांव जिले में सबसे अधिक 15 और दरांग जिले में 10 विदेशी ट्रिब्यूनल होंगे। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया 2013 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद शुरू की गई थी। न्यायालय पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखे हुए है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि अनुच्छेद 370 वापस लेने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और कृषि को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू संभाग में रामबन में पार्टी के जनजागरण अभियान को संबोधित करते हुए कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर पिछले कुछ दशकों में उद्योग और कृषि सहित तमाम क्षेत्रों में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, इसलिए किसी को भी सरकार की किसी नीति से डरने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि लगातार आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना समारोह में उन्होंने कहा कि आग की घटनाओं पर सही तरीके से काबू न पाया जाए तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता है।
सभी हितधारकों और एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि कोच्चि के तटीय क्षेत्र मराडो में बने फ्लैट को गिराने का काम 138 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। केरल सरकार ने इस काम के लिए यही समय सीमा निर्धारित की है। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार से सभी फ्लैट मालिकों को 4 सप्ताह के भीतर अंतरिम राहत के तौर पर 25-25 लाख रुपए देने को कहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों के विस्तार और उन्नयन के लिए 35 अरब रुपए की परियोजनाओं पर काम करेगा। प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक संजीव जिंदल ने आज अगरतला में पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने गुवाहाटी हवाई अड्डे के लिए 12 अरब 50 करोड़, इम्फाल के लिए 6.5 अरब, अगरतला के लिए 5 अरब और अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 6.5 अरब रुपए का प्रावधान किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। मम्मी, मैं तैयार हूँ बाजार जाने के लिए। आपने कपड़े का थैला रख लिया है ना? प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए, जूट के थैले हो, कपड़े के थैले हो, मेरे किसान को मदद करेगा, गरीब विधवा माँ जो सिलाई करती होगी उसको मदद करेगा। यानी हमारा एक छोटा सा निर्णय भी सामान्य मानवीय के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, हम उस दिशा में काम करें। क्या आपने रखा है अपने साथ कपड़े का थैला? ये आकाशवाणी है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। आज ही के दिन 1980 में विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का संविधान लागू हुआ था। भारत पहली बार इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का अधिकृत आयोजन कर रहा है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और नौकरियां, सभी के लिए बेहतर भविष्य। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। आंध्र प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, जबकि गोवा और मध्य प्रदेश साहसिक पर्यटन वर्ग में संयुक्त विजेता रहे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यटन से राजस्व के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। श्री नायडू ने कहा कि घरेलू पर्यटन भारत में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण भागीदार बन चुका है। Tourism provides 10% of income across the globe and creates varied employment opportunities. The Indian tourism industry has in fact emerged as one of the key drivers of growth among the service sectors in India. India is now the 7th largest tourist economy in the world. बिहार के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। गंगा, बागमती, सोन और गंडक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। राज्य सरकार ने ओलावृष्टि को देखते हुए लोगों से, विशेषकर किसानों से, खुले स्थानों में नहीं जाने को कहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में राज्य के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में इस समय पारूपल्ली कश्यप का मुकाबला डेनमार्क के यनु यो युकेनसन से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक कश्यप ने पहला गेम 24-22 से जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और अपनी सरकार की विकास संबंधी पहल का उल्लेख करेंगे। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद और विश्वास निर्माण की महत्ता दोहराई। 3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने पाला विधानसभा सीट जीती। असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची से बाहर लोगों की अपील की सुनवाई के लिए 200 अतिरिक्त अपीलीय विदेशी ट्रिब्यूनल खोले जाने की अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।